नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम में मनाई गई मानव श्रृंखला हर घर तिरंगा फहराने जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोगों से की अपील। खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां आज अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय स्टेडियम में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर आज मानव श्रृंखला मनाया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार रीवा शहर व जिले में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रैली व अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर लोगों को हर घर झंडा लहराने का संदेश दिया जा रहा है। इस मानव श्रृंखला में कई कॉलेज व स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम आपको सीधा ले चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर, जानते हैं रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का क्या कहना है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। अगर बाइट हो रही हो तो माइक बंद कर। प्रेम के बाद जो है जज्बा जगाबे के बाद। एक मिनट रुकिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी के पार्टिसिपेशन को जोड़ने के लिए आज स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, महिला बाल विकास और विभिन्न एनजीओ के लोग हैं, एसएचजी के लोग हैं, और इन सभी के माध्यम से इस विशाल स्टेडियम में डिफरेंट फॉर्मेशन किए जा रहे हैं। इंडिया लिखा जा रहा है, आप देख रहे हैं 75 लिखे जा रहे हैं, रीवा लिखा जा रहा है, और इसके माध्यम से हाथों में तिरंगा लेकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये झंडा लेके ये बता रहे हैं कि ये देश और इसका स्वतंत्रता, इसका जो अस्तित्व है उसके लिए ये बच्चे कटिबद्ध हैं। हमारा भविष्य जो है इन बच्चों के हाथ में है, और इस पूरे अभियान से हम महिलाओं को, बच्चों को जोड़कर और पूरे ज़िले को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी घर ऐसा नहीं हो जहां हमारा तिरंगा गर्व के साथ, शान के साथ लहराता हुआ न दिखे।